कोबरा के जहर से कैसे होता है नशा, सांप के जहर से नशे की दुनिया में कैसे पहुंचता है इंसान, स्नेक बाइट यानी ड्रैगन ड्रॉप्स जिसे सांप का जहर भी कहते हैं, जिसकी चर्चा यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी से तेज हो गई है कि आखिर स्नेक बाइट क्या है और इससे नशा कैसे होता है, और तो और नशा K72 जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। ड्रैगन ड्रॉप या K72 से नशा करने वालों की तादाद इस वक्त बढ़ती जा रही है। यूं तो दिल्ली NCR में पार्टी के लिए ऐसे मादक पदार्थों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी से इसकी चर्चा तेज हो गई है। ड्रैगन ड्रॉप या K72 से नशा कैसे होता है और इसके असर के बारे में सोशल मीडिया पर बढ़ती बातचीत के कारण पुलिस सावधान है। उधर नशीली दवाओं के कारोबार पर नजर रखने वाली एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। वो सांप पकड़ने वालों और इसके जहर का कारोबार करने वालों पर पैनी नजर रख रही हैं। बावजूद इसके वो संगठित गैंग या कार्टेल तक नहीं पहुंच पाते, वो अब तक पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर कौन सा गैंग या कार्टेल सांपों के जहर के कारोबार में जुटा हुआ है। फिलहाल इस मामले में ये बात सामने आई है कि कुछ साल पहले ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर ड्रग्स के कारोबार में लिप्त पेडलर्स के फोन में फरीदाबाद, ग्वालपहाड़ी और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों के कई सांप पकड़ने वालों के नंबर मिले थे, लेकिन बावजूद इसके इस व्यापार में लगे किसी संगठित कार्टेल का पता नहीं चला। दरअसल पुलिस के मुताबिक करीब एक दशक से मार्केट में ड्रग्स है, के ड्रग्स लगभग एक दशक से बाजार में है और इसकी मांग बढ़ रही है। के ड्रग्स खतरनाक सांपों का जहर होता है, नशेड़ी पहले वो उसका या जिनमें एक पाउडर मिलाते थे, अब वो धीरे धीरे सीधे सांप के जहर तक पहुंच गए हैं, जिसकी कीमत लाखों में होती है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक नशे के लिए स्टूडेंट्स के बीच कई तरह के सिंथेटिक ड्रग और केमिकल्स का प्रचलन है, लेकिन वो K72-76 ड्रग्स भी दे रहे हैं। पेडलर्स से पूछताछ से जानकारियों के आधार पर पता लगता है कि K72-76 की सबसे ज्यादा मांग वर्किंग प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के बीच है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऊंची कीमत के कारण इसे बहुत खास लोग ही खरीद पाते हैं। एक हिट की कीमत 35,000 से 50,000 रुपए के बीच होती है। K72 और K76 ड्रग्स सांपों के जहर से ही तैयार किया जाता है, साथ ही कोबरा और करैत के जहर की मांग तेजी से बढ़ रही है और इन्हें खरीद पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल ये कहा जाता है कि सांप का जहर लेने पर वैसा नशा नहीं होता जैसा शराब पीने पर होता है, लेकिन इसका जहर नर्वस सिस्टम पर ऐसा असर करता है जिससे नशा आपको महसूस होता है। सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है और जब ये शरीर में जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिमिशन पर असर करता है। इसका असर आमतौर पर 6 से 7 दिन तक बना रहता है। सांप के जहर का प्रभाव बढ़ाने के लिए नशेड़ी पहले सांप को केमिकल का इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद जानबूझकर अपनी जीभ या होंठ पर कटवाते हैं। सांप के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्स नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है जिससे वो कमजोर हो जाता है। इसके अलावा इससे मांसपेशियों में कमजोरी, पैरालिसिस और मेंटल स्टेट में बदलाव जैसे कई प्रभाव दिखते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में 2014 में रिसर्च पेपर छापा गया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत में सबसे ज्यादा कोबरा, बुंगारस, कैरुलस और ऑफियोड्रिस वर्नालिस सांप के जहर को नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर ने पाया कि सांप के जहर के आदि लोगों को वैसा ही महसूस होता है जैसे निकोटीन लेने के बाद होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सांपों के जहर से नशा आखिर कैसे होता है। फिलहाल रेव पार्टियां दुनिया में लोकप्रिय हैं। ज्यादातर इन पार्टियों में समाज का अमीर तबका ही पहुंचता है। दरअसल इन पार्टियों में जाने के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है कि आम लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके साथ ही ये पार्टियां आम पार्टियों के मुकाबले काफी अलग होती हैं। इन पार्टियों में पहुंचने वाले युवा तरह तरह के नशे करते हैं और कई देशों में ये नशा बैन भी है। यही वजह है कि भारत में भी इस तरह की रेव पार्टीज बैन है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसी पार्टियां आयोजित कराते हैं और एल्विश यादव पर ऐसी ही पार्टियों में स्नेक बाइट उपलब्ध कराने का आरोप है। फिलहाल सवाल प्रशासन पर सबसे ज्यादा उठते हैं कि आखिर इस तरह की रेव पार्टीज क्यों होती हैं और आखिर इस पर आज तक क्यों कंट्रोल नहीं लग पा रहा है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।